देखें, पहले बात तो ये कोई लाने जंग नहीं है, कोई लाने जंग नहीं है। पीटीएम जब शुरू हुई सबसे पहले उनके साथ एंगेजमेंट मेरी हुई। तीन डिमांड्स थी इनकी। पहली डिमांड थी कि माइंस हैं, दूसरी इनकी डिमांड थी कि चेक पोस्ट, तीसरी इनकी डिमांड थी मिसिंग पर्सन। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास, हम फंड इकट्ठा करते हैं दुबई से, सऊदी अरब से, जहां भी पठान है हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए। इनसे मैं पूछता हूँ कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, जरा बताएं आपको, आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा इनके पास और ये रकम कितनी है और कहाँ से आई है। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है, जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनकी उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इनका इंटरेस्ट लोकल मसले हैं तो वाइट लोन की लोकल क्यों नहीं बैठते, इनका हलका है, मैं क्या हूँ उस हलके में। अरमान लोनी जब उसकी वफात हुई तो आपने स्टेट इल्जाम लगा दिया कि जी इसको तो पुलिस और फौज ने पता नहीं यहाँ पे बट मारा, यहाँ पे जख्म था, वहाँ पे जख्म था, फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए आप जुलूस की शक्ल में इतनी तकलीफ करके वहाँ गए, तो उन फौजियों का भी जनाजा पढ़ देना था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जो क्लियरली कहती है कि क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का, और हार्ट फेलियर से उसकी मौत वाकई हुई। अरमान लोनी की जब डेथ होती है तो अफगान प्रेसिडेंट उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि बहुत मेहरबानी, आपने हमारे बंदे की किलिंग की है फौज ने, उसके ऊपर आपका बड़ा शुक्रिया। हमारे वजीर आजम उनको कोई तजवीज़ देते हैं बींग पार्ट ऑफ द रिकन्सिलेशन प्रोसेस, आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं, मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो जरा टीटीपी किस कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर लें। टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देते हैं? हर काम कानून के तरीके से होगा, आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली।